ठीक है भाई, हम लोग अपनी राइड शुरू करते हैं। तो भाई अटक के लिए एंड ये देख सकता हमारी भाई भाई मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी एसी में फट रही है, थोड़ा सा आपको स्टेयरिंग हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज मुझे देख सकते हो यार, मेरे पीछे एक मस्त सीन हो रखा है। और ये जो मेरे पीछे जो ब्रिज है वो है जेपी सेतु ब्रिज, जेपी सेतु ब्रिज भाई, जो बिहार से सोनपुर आता। तो अभी मैं खड़ा हूँ, ये जगह है वो है सोनपुर यार। सोनपुर आने की खास वजह है यहाँ पे जलालपुर वन, जिसके बारे में आज व्लॉग होगा हमारा, डेडिकेटेड व्लॉग बना रहा हूँ उस पर मैं। तो मेरे को बहुत जगह से सुनने में मिला और देखने को मिला कि एक पटना में एक एडवेंचर पार्क आया विथ गो कार्ट। भाई ऐसी जगह को अगर मैं एक्सप्लोर ना करूं तो क्या क्या करूं भाई, तुम ही बताओ भाई सरांश, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं? बहुत ज़रूरी है एंड भाई इतना एक्साइटिंग चीज़ है। और आप लोगों को पता ना हो तो ये बहुत ख़राब चीज़ है यार। तो आप लोगों को पता करने के लिए मैं तो यहाँ पर ब्लॉग बनाने आ गया हूँ भाई। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जैसे सोनपुर देखो, ये जो जगह है वो सोनपुर में है, सोनपुर जलालपुर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हो सोनपुर पुल है, इधर उतरते हैं। वहाँ उतरते के साथ साथ बोल रही है कौन सा साइड है इसको कहते हैं भाई, राइट साइड में। मतलब मैं पिछली बार भी जब जेपी सेतु ब्रिज का व्लॉग बनाने आया था तब मुझे कुछ दिखना था बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट आज चलते हैं देखते हैं, एंड वो भी छोटे होता है जेपी सेतु पुल वाला। हम लोग लगा कि वो वाटर पार्क था, हाँ मेरे को लगा वो जो डिज़ाइन था ना वो, पता नहीं जलालपुर है, मेरे को लगा जलपुर कुछ है, तो पता नहीं यार। तो चलो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होता है। लोग पहुंच चुके हैं भाई जलालपुर फन। जलालपुर फन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोनपुर है, तो यहाँ पे इसका ऑफिस है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो पहले आपको यहाँ के पैकेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ऑफिस चलते हैं, आप घूमते हैं इनसे। तो भैया यहाँ पे जैसे कि जलालपुर फन में आपको बताया, तो यहाँ के पैकेज डिटेल के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, कैसा कैसा पैकेज है, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? सर आपका पैकेज है जो एक मेगा फन चल रहा है, हाँ सर, जो आपका 1150 में आ रहा है, ठीक है ना सर? हाँ, जिसमें आपका टोटल एक्टिविटीज यहाँ का आपको करने को मिलेगी, और भी मतलब जो भी है सब एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी, गो कार्ड एक्टिविटी, गो कार्ड भी इसमें इंक्लूड है। जी सर, गो कार्ड भी आपको इंक्लूडेड है इसमें। आपका कम के लिए आया है कोई, मतलब छोटा सा 2-3 राइड करना उसके लिए क्या? हाँ है सर, वो उसके लिए भी है। अगर आप सिंगल में गो कार्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपका 450 रुपये अलग से सर है, जिसमें 5 लाख आपको मिलेगी। और एक हम लोग कपल ट्रिप बनाए हुए हैं, कपल ट्रिप मतलब ओनली कपल के लिए है, इसमें जो भी ज्वाइंट ज्वाइंट है या दो लड़का बताया कैसे कैसे एक्टिविटीज और कैसे कैसे ऑफर चल रहे हैं, इसके बारे में आप अच्छे से सुन लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पे आना हो तो ये सारे प्राइसेस यहाँ पे, और इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा ये पूरे डिटेल को। और अभी हम लोग जा रहे हैं यार, हम लोगों ने लिया 750 वाला पैकेज, हम लोगों ने यहाँ पे 750 वाला मिक्स पैकेज लिया है। और ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ है अभी हम लोग करने, ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ है ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कैसा होता है इधर। भाई आप लोग जैसे ही यहाँ पे टिकट का प्राइस अपना पैकेज लेते हो, इसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ता है जो कि थोड़ा आधा किलोमीटर, तो आप यहाँ से गाड़ी आती है और गाड़ी से जाते हैं। तो ये अपनी गाड़ी आ गई, हम लोग निकलते हैं यहाँ से यार, यहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी में यार। तो यहाँ से जो आपको जाना पड़ेगा पैकेज कराने के बाद, तो आप गाड़ी से जा सकते हो यार, जैसे देख रहे हो। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं भाई इसके पार्क में, जो कि उतना दूर था, वहां से आ गए हम लोग अपने इसके प्राइवेट गाड़ी में जो आपको यहां पे खुद प्रोवाइड की जाती है। एंड जैसे ही आप इस पार्क में आओगे मेरे पीछे ये सारा नज़ारा देखोगे, ये तालाब, जिप लाइन, ये सारे जो भी है भाई, एकदम मस्त सा फील आता है भाई। जैसे मैं आ गया हूँ और मैंने देखा कि अभी वहाँ पर जिप लाइन है, एंड सबसे बड़ा ये वाला भाई वो देख सकते हो, अभी से ही दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है, एडवेंचर करने का जो जुनून है दिल में वो बहुत बढ़ चुका है। और कैसा लग रहा है तुमको ये सब करने में, क्या फील आएगा भाई? काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है भाई, अभी बहुत एडवेंचर करने जा रहे हैं। ये सारे राइड अपने पास है यार, यहाँ पे जैसे कि हमें अपने एक्टिविटी शुरू करना है, एडवेंचर करना है, तो पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी भाई हम लोग हार्नेस पहन लेते हैं, नहीं तो ये सब नहीं कर पाएंगे, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, अच्छे से नहीं है। और एंड मौसम भी ठीक हो गया, अभी आया था तो बहुत धूप था लेकिन अभी थोड़ा सा हवा चलने लगी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई इधर हार्नेस मैंने पहन लिया, देख सकते हो अच्छे से हार्नेस पहन लिया। एंड हेलमेट मैं ये वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ,
अपना हेलमेट यूज़ करूँगा, उस पर कैमरा लगा के आपको एक्सपीरियंस कराऊँगा साथ में कि आखिर कैसा लगता है इतना ऊँचा ये सारे पे इतना एडवेंचरस काम करना। देख सकते हो यार, एक से एक बड़ा से बड़ा राइड है। एंड भाई दिल की जो धड़कन है, मतलब मैंने किया नहीं है बट आप लोगों के लिए सब कुछ करना है। सबसे पहले जो मेरे को करना है भाई, देखो हेलमेट मैंने अपना वाला ले लिया है, तो सबसे पहले जो करना है मेरे को करना है वो जिप लाइन, वो वाला देख रहे हो जो सबसे पहले है भाई। सीढ़ी भी खतरनाक वाली है, समझ लो सीढ़ी भी एक तरह का एडवेंचर ही है। एंड भाई नज़ारा देख लो यहाँ से, इतना ऊँचा खड़ा है, लेकिन अभी इससे भी ऊपर जाना है। एंड ये मैं हेलमेट पे भाई कैमरा सेट कर दिया है, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, अंदर से आएगी ज़रूर। तो वो देख सकते हो जिपलाइन इतना, तो इसमें जाना है भाई। 100 मीटर का जिपलाइन है, 50 फीट हाइट पे है। 50 फीट हाइट है, 50 फीट का हाइट है। हाँ। सारा जो यहाँ टावर जितना भी टावर है राइट है, वो सारे 50 फीट है, सिर्फ जॉइंट स्विंग में छोड़कर 50 फीट। हाँ, वो जॉइंट स्विंग है 70 फीट का हाइट है, जो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट अब बन चुका, पहले फर्स्ट था अब सेकंड हो गया। हाँ पे जी हाँ, ठीक। आप दोनों हाथों छोड़कर भी जा सकते हो। हाँ, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, ओके बैठ जाइए। स्टूडेंट होते तो क्या बोलते, सपोज दैट, सपोज दैट। तो ठीक है भाई, हम लोग अपनी राइड शुरू करते हैं। तो भाई अटक के लिए, एंड ये देख सकता हूँ हमारी भाई, भाई मैं जा रहा हूँ। एंड ये देख सकते हो ऊपर से नीचे, एकदम नीचे से क्या व्यू आ रहा है भाई, 50 फीट के हाइट से जा रहा हूँ, ये व्यू देख सकते हो यार, एकदम बढ़िया तरीके से मैं पहुँचने ही वाला हूँ। अच्छा उतारो भैया, चलो खोलो हैंडल इसके ऊपर। हाँ बोलेंगे तो पीछे वाला क्यों, अगेन अगेन इतना लॉक मत करो, इतना टाइम मत दो, छोटे छोटे। अच्छा। लो चलो, तुम कंफ्यूज हो गए, छोटे छोटे लो, डर रहे हो सर, पूरा वेट आगे डालो, पूरा वेट आगे डालो। अच्छा ऐसे, हां वेरी गुड, वेट आगे क्यों डालो, वेट आगे क्यों डालो, वेट आगे क्यों डालो, गरम मत, वेट आगे क्यों डालो, वेट आगे क्यों डालो, एंड भाई ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए रिस्की है। सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी यार, नीचे देख के ही बहुत फटी पड़ी है। एंड भाई इस पे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है, सबसे ज़्यादा मेरी इसी में फट रही है, क्या बताऊँ कि क्या है दिक्कत। लाइफ इज ऑसम बाय माय लक, सो जल्दी जल्दी स्टेप्स लो एंड चलो। हाँ भैया, हाँ जान निकाल देता भैया, तो बस स्काई रोलर वाला वो मैंने कर लिया है एंड देखा नहीं लगी, स्काई रोलर वाला वो कर लिया है एंड उसके बाद हम लोग वो ये वाला कर सकते हैं। देख सकते हो थोड़ा सा इसमें फन है, थोड़ा सा इसमें मेहनत है एंड मेरा चेहरा देख सकते हो यार, मतलब ये पसीना साथ में एडवेंचर का ये जो मज़ा है उसकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो रखा है, बट कोई नहीं, ये टोटल वर्थ इट है। उतने राइड के बाद हम लोग ये वाले राइड पे आए हैं, ये ऊपर वाला। तो भैया से पूछते हैं, भैया ये वाला कौन सा राइड है भैया? ये जॉइंट स्विंग है हमारा झूला, ठीक है। जॉइंट स्विंग कितने फीट का भैया? 70 फीट का हमारा ये झूला, ये 70 फीट ऊपर तक है ना? ये 70 फीट है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोग को 60-65 देते हैं कि उनका भी ध्यान रखना है, सेफ्टी रखना हमारे को। हाँ, इसीलिए हम लोग थोड़ा 5 फीट कम देते हैं। तो ये देख सकते हो ये वाला झूला, आप देख सकते हो इतना ऊपर है, ये 70 फीट है, भैया कह रहा है कि 60 फीट तक यहाँ पे जाता है, 65 फीट तक हमारा ये जॉइंट स्विंग हम लोग देते हैं मैक्सिमम अपने तरफ से। और भैया डरने की कोई बात बताइए, मैं फर्स्ट कमर हूँ, मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये डरने का कोई बात नहीं है, इसमें फुल्ली सेफ्टी है, पूरा बॉडी लॉक होता है इसमें, ठीक है। और सिर्फ जॉइंट मतलब छूटने समय सिर्फ थोड़ा स्विंग होगा ना, फॉल होगा तो ऊपर थोड़ा सा डर लगेगा, लगेगा कि हम होगा इसमें, लेकिन बहुत मजा आएगा ना, फ्री फॉल का मजा आएगा। तो जैसे कि भैया कह रहे कि मजा आ रहा है, तो भैया की बात पे ये वाला राइड ट्राई करते हैं यार। एंड ये वाला राइड जो है 70 फीट का, हम लोग 70 फीट पे तो नहीं जाएंगे बट जितना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी वहाँ पे जाते हैं। तो अब जैसे कि सरांश तैयार हो गया, तब मैं होता हूँ यहाँ पे बैठता हूँ यार।
तो भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। अच्छा भैया, अच्छे से लगाइएगा। हाँ भैया, फुल सेफ्टी आपको देंगे। एंड भाई, हम लोग स्लोली स्लोली देख सकते हो ऊपर जा रहे हैं। एंड फीलिंग जो है भाई, जेपी सेतु दिख रहा है, देख सकते हो क्या मस्त मस्त व्यू है। मैं अभी भी व्यू की बात कर रहा हूँ भाई। एंड देख रहे, धीरे 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 तो है, कुछ ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए। चलो चलो चलो, जय बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। तो कितना फिट कर दिया? बस बस एंड भाई देख सकते इतना ऊपर, एंड मेरी फटी पड़ी है। तो अरे मम्मी, उफ भाई, और भाई इधर मजा आया, देख सकता। पहली बार तो कुछ बोली नहीं निकली, बट दूसरी तीसरी बार में थोड़ा मजा आने लगा। एंड पहली बार के लगा नीचे से कुछ है ही नहीं सामान, नीचे से क्या सामान का तो, ओह कैसा लगा सामान? बहुत मजा आ रहा है भाई, वाव। एंड भाई इसका व्यू देख सकते हो कैसा, मैं फील कर रहा हूँ। शरारत को देख सकते हो बगल में, पहली बार बोलने की हिम्मत नहीं थी भाई। एंड लगता है मैं 30 फीट बोल, लेकिन भैया ने हमें 60 फीट पर चढ़ा दिया। कोई नहीं भाई, बड़ा मजा आया। एंड भाई देख ले लिया आपने मेरा ये फ्री फॉल जो भी हुआ है, मजा आया भाई। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है कि भाई कहाँ गया नीचे का मेरा, कुछ नीचे ग्रेविटेशन फोर्स कुछ पता नहीं चलते, लेकिन उसके बाद बड़ा मजा आता है। 30 बोल के भैया ने मुझे 50 फीट पर पहुँचा दिया। 50 ही था ना भैया, उससे भी 50 फीट था। 50 फीट का मजा था भाई, 50 फीट के ऊपर से वो व्यू देखा है आप लोगों ने। तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। बिल्कुल भैया, भाई साहब मैंने उतनी 3-4 राइड कर ली, और ये देख सकते हो मौसम का हाल भाई। पटना के साइड लग रहा है कि बारिश हो रही है, बट यहाँ पे भी हवा काफी तेज हो गई है। नहीं तो इसको कितना ऊपर तक जाना रहेगा? जितना ये टॉप लेवल का ये रॉप है ना, आपका पास रॉप जाएगा, ये दोनों हाथ पकड़िए, पकड़ने के बाद आप आराम से बैठ जाइए। तो इधर ये वॉल क्लाइंबिंग हो रहा है, एंड वॉल क्लाइंबिंग जो है बेसिकली मैं नहीं कर रहा हूँ इसे, ये आज सरांस परफॉर्म कर रहा है। मेरे को पता नहीं, मन नहीं कर रहा ये करने का, क्योंकि मैंने कर चुका है, बोरिंग लगता है मुझे। देखते हैं भैया यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। कितने फीट की दीवार है भैया ये? 50 फीट 50 फीट की है भाई, 50 फीट का अभी वो करके आए हैं, अभी ये कर भी कितना। एंड ये सब बाद में करेंगे यार कभी। ये ऊपर चढ़ा और भी राइड से बटे हो रखा है, इतना नहीं रूट कर सकते। एंड भाई यहाँ पे भाई जिप साइकिलिंग आप देख सकते हो, वहाँ पे जिप साइकिलिंग लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई रॉक क्लाइंबिंग है, एंड 3 फ्लोर पे सब जो है ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। सभी के नाम थोड़े से मुश्किल है, तो आप पैम्पलेट में देख लेना। एंड ये देखो 3rd फ्लोर तक है, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे हाइट तक है, इस पर चढ़ना भी फन है, एंड साइकिलिंग पे भी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगली बार आऊँगा तो भाई सब सारे राइड जो बचे कुछ है वो करना है, लेकिन आज जितना राइड हो रहा है वो कर रहा हूँ। तो भाई साहब एक अच्छे खासे बारिश और अच्छा खासा भींगने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, एंड अब थोड़ा सा शांत हो चुका है मौसम में। तो बारिश बीच में बहुत तेज़ आई थी, एंड देख सकते हो पूरा बार बार मेरे भींगे पड़े हैं, मतलब समझ सकते हो। एंड ये वाला तालाब भाई बोटिंग के लिए बना है, एंड अच्छा खासा स्पेस है इधर बोटिंग के लिए। देख सकते हो बोट लगी पड़ी है, एंड अच्छा खासा पानी है। देख सकते हो सिर्फ इतना नहीं बहुत अच्छे स्पेस में फैला हुआ है। वैसे तो मैं बोटिंग नहीं करना, बट आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। ये देख लो, अच्छा खासा स्पेस है इधर बोटिंग करने वालों के लिए, अच्छा खासा स्पेस। एंड नाइट के लिए भाई लाइट, हैलोजन लाइट बहुत सारी लगी हुई है, कि आपको रात में भी कोई दिक्कत ना हो। एंड अंधेरे में तो और भी मस्त लगेगा ये पार्क है। तो
क्या तो कैसा लगा था भाई आपको रॉकेट इजेक्टर पे? बहुत मस्त लगा, थोड़ा सा डर हुआ लेकिन फिर बाद में जितना जाने का समय डर हुआ उतना ही खुशी हुआ आने के समय मुझे ऊपर। हाँ की चलो भैया, अब तो लौट गए इस झंझट से। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं यहाँ पे गो कार्ट वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी ट्रैक पर सफाई हो रही है क्योंकि भाई बारिश हो रही थी, तो अभी ट्रैक की सफाई हो रही है ताकि पानी ना रहे ट्रैक पे। एंड देन वी ड्राइव दिस, एंड भाई पांच लैप है अपने पास, पांच चलाने की। असली रोड है भाई कलकत्रा वाला, असली रोड का ट्रैक बनाया हुआ है। एंड ये देखो पटना गो कार्टिंग, अब इसकी ब्यूटी ही कुछ अलग हो रही है भाई। एंड भाई ये जो पीछे जो बन रहा है, ये बन रहा है वाटरफॉल, जो बहुत बढ़िया एक वाटरफॉल बन रहा है। किसी भी चीज़ को डेकोरेशन की ज़रूरत होती है तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, देख सकते हो। एंड भाई देख सकते हो मेरे पीछे लिखा पटना लव गो कार्टिंग। हाँ भाई पटना को गो कार्टिंग से प्यार है, एंड गो कार्टिंग करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि पटना में गो कार्टिंग और कहीं अवेलेबल नहीं है यार। एंड भाई इस सुहाने मौसम में काले बादलों के बीच में काले ट्रैक पे गाड़ी चलाना, मतलब गो कार्टिंग करना, इज अनदर लेवल फन। एंड हम लोग करने जा रहे हैं, एंड कोर्ट पे मैं खड़ा हूँ, एंड सब कुछ सेट वेट हो चुका है, भैया लोग भी तैयार है, हमको भी पांच लैप मारना है, तो हेलमेट सेट कर लिया मैंने, सना चार्ज करेगा मेरे थोड़ा कैमरा के लिए, भैया को रिक्वेस्ट किया मैंने। चलो तो इस पर बैठना मेरे को, इसका सुना। चलो तो भाई ये एक्सलेटर है हमारा, ये वाला इस राइट साइड, एंड जो लेफ्ट साइड है वो ब्रेक है, एंड ये अपना स्टेयरिंग है, एंड कार तो चला रखी मैंने, एंड इसको चलाते हैं। एंड भाई ये इधर हम लोग चल पड़े हैं भाई, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस, बहुत ही छोटा स्टेयरिंग है, एंड लगता है मैं सबसे जल्दी कर लूँगा पाँच लैप बाकियों से। टेंशन मत लीजिए भैया, मैं प्रो ड्राइवर बन गया हूँ। एंड अब फाइनल हम लोग पहुंच ही गए हैं, पांच लैप कंप्लीट, चलो फिनिश लाइन पे आ जाते हैं। चलो तो हम लोग अभी भाई 360 कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो साइकिल पे, तो बड़ा फन है। मोबाइल निकाल दीजिएगा भाई, हेलमेट वेलमेट वगैरह सब सेट हो गया, एंड अब चलते हैं, कोशिश करते हैं इसको चढ़ाने का। खड़ी हो जाता है भाई जब तो देखा साइकिल 360 मैंने कैसे किया। भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा इस पर, जैसे जैसे ये पैडल साइकिल ऊपर जाता है वैसे पैडल इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि अगर बहुत दम है पैर में तो हो जाता है, लेकिन दो तीन बार करने के बाद सॉरी सांस हफ गई थी मेरी, तो बहुत सारे किए ना, तो दैट वाई उतना ही उठ पाया, लेकिन मज़ा आया भाई, भाई बहुत आड़ा भी सरांस कर रहा है। बस इसके बाद बस एक और अपनी है राइड, तो वो करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे यार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो। बार बार बोलना पड़ता है भाई, कब तक बोलूँ, शेयर करो यार। सर यहाँ पे कुछ सीन हो रखा है, बहुत मस्त मस्त एडवेंचर वाला सीन हो रखा है, एडवेंचर पार्क में क्या चाहिए बच्चों के लिए, सारे ट्रैम्पोलिन पार्क्स देख रहे हो, सारे ट्रैम्पोलिन एंड जो वो ट्रेन टाइप है सारा बच्चों के लिए। और उधर में भी बुल कार्टिंग होता है, बुल कार्टिंग देख सकते हो, अगर बुल कार्टिंग करोगे तो ये बुल के लिए यार, ये वाला जो घूमता घूमता आपको कूदना पड़ेगा, तो वो वैसा सीन आ जाएंगे। एंड भाई अभी ये गया सर, तो देखते हैं इसका क्या हाल होता है। चलो स्टार्ट कीजिए भैया, यार
ये मेरी टर्न है, मुझे लगता है मैं गिरूंगा लेकिन अच्छे से गिरेंगे। अरे पैर तो गिर देखिए, अरे अरे भाई, अरे भाई, भाई गिर रहे हैं अभी। भाई ये जो बुल होता है ना, आपको घुमाया जाता है ताकि आपका सर टकरा जाए, और जब रोल करता है तब कैसे ना कैसे गिरोगे इनके लोग। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप बंद नहीं कर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्क यार। ये पार्क आज घूम लिए, बहुत ही अच्छा लगा एडवेंचर, और बहुत ही अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, इसमें हम लोगों का बहुत एफर्ट रहा। पटना और बिहार में ऐसा एडवेंचर पार्क होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आपको फैमिली के साथ होना चाहिए, कपल के साथ आना है, दोस्तों के साथ आना है, चिल आउट करने यार यहाँ पर जरूर आएँ। एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर से आपको बता दूँ कि JP सेतु पुल जैसे ही आप कंप्लीट करोगे दिग्घा से आओगे तो यार एकदम एंड पे, जैसे ही आप सोनपुर एंड पे आओगे ये वहीं पर है, एकदम आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। और यही रहा इस ऑफिस, तो हैव अ विजिट यार। एंड अभी तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करके जाइए वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही शेयर करने लायक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाने यार। चलो बाय बाय।